नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है सोमवार व्रत कथा, जो पौराणिक है। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए भगवान शिव की ये सोमवार व्रत कथा जानते हैं। हरि प्रेमियों, कई बार हमारा शरीर रोग से युक्त हो जाता है, बीमार हो जाते हैं हम, जिसे हम व्रत उपवास नहीं रख सकते। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मन में भाव होना चाहिए। अगर आप व्रत उपवास नहीं रख सकते हैं तो सोमवार की व्रत कथा जरूर सुन लीजिए, मन में श्रद्धा और भाव करके। हरि प्रेमियों, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन पूजा पाठ करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं। इस व्रत में भक्त भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करते हैं। भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद व्रत कथा सुनते हैं और अपने उपवास को सार्थक बनाते हैं। हरि प्रेमियों, कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में बहुत धन धान्य था, धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके घर कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण वह साहूकार बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार का व्रत रखता था। वह पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ हर सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाता और भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करता था। उसकी भक्ति से माँ पार्वती एक दिन खुश होकर भगवान शिव से बोली, स्वामी, इस साहूकार की मनोकामना को आप पूर्ण कर दीजिए। इस पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। जिसके भाग्य में जो होता है वही उसे भोगना पड़ता है। लेकिन माँ पार्वती ने साहूकार की भक्ति से खुश होकर उसका मान रखने के लिए भगवान शिव से फिर से इच्छा जताई कि आप उसकी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए। भगवान शिव ने माँ के आग्रह पर साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, साथ ही यह भी बोल दिया कि उसके बच्चे की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। साहूकार माँ पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुन रहा था। उसे भगवान की इस बात से ना तो उसे दुख हुआ और ना ही उसे खुशी हुई, क्योंकि बच्चा होने के बाद 12 साल की उम्र क्या उम्र होती है? वह फिर 12 साल बाद चला जाएगा, उसकी क्या खुशी। वह हमेशा की तरह भगवान शिव की पूजा अर्चना करता रहा। कुछ समय बीत जाने के बाद साहूकार के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। जब उस बालक की उम्र 11 साल की हुई तो उसे पढ़ाई के लिए काशी जी में भेज दिया गया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बहुत सारा धन देकर उसे काशी जी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाने के लिए कह दिया। साथ ही रास्ते में यज्ञ करते हुए जाने का उन्हें आश्वासन भी दे दिया कि यज्ञ करते चले जाना। साथ ही यज्ञ स्थल पर ब्राह्मणों को भोजन कराने और उनको दक्षिणा देने के लिए भी कहा। दोनों मामा भांजे साहूकार के निर्देश के अनुसार यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए बनारस यानी काशी जी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर जहां पर किसी राजा की बेटी का विवाह था, लेकिन उस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था, वे आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात उससे छुपा रखी थी। लड़की वालों को इस बात का नहीं पता था। उसने
राजा ने यह चाल चली। साहूकार के पुत्र को देखकर उस राजा ने सोचा, क्यों न मैं इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं और फिर विवाह होने के बाद इसको धन देकर यहाँ से विदा कर दूंगा और राजकुमारी को मैं अपने घर ले जाऊंगा अपनी बहू बनाकर। इस तरह वह साहूकार के लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था। उसे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने मौका पाते ही राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर यह लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। यह राजकुमार जो तुम्हें साथ लेके जा रहा है वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई अपनी वे सब बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को वे सब बात बता दी। फिर राजा ने अपनी पुत्री को घर से विदा नहीं किया और बारात को वापस लौटा दिया। दूसरी ओर मामा के साथ साहूकार का पुत्र काशी जी पहुँच गया। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किए। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ किया। लड़के ने इस दौरान अपने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने उसे अंदर जाकर सोने के लिए बोल दिया, कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो, सो जाओ, ठीक हो जाओगे। भगवान शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बच्चे के प्राण निकल गए और भांजे को मृत अवस्था में देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती उधर से गुजर रहे थे। माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहे हैं, कृपा करके आप इस व्यक्ति का दुख दूर कर दीजिए। जब भगवान शिव उस मृत बालक के पास गए तो बोले कि यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मात्र भाव से विभोर होकर माँ पार्वती ने फिर से कहा, हे महादेव, कृपा करके इस बालक को और आयु देने की कृपा कीजिए, नहीं तो वियोग में इसके माँ बाप तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माँ पार्वती के इतने आग्रह करने पर भगवान शिव ने बच्चे को जिंदा कर दिया और ये वरदान दे दिया। भगवान शिव की कृपा से उस लड़के को फिर से जन्म हो गया। इस तरह उसकी शिक्षा समाप्त करके मामा और भांजा फिर से अपने नगर की ओर वापस चल पड़े। दोनों साथ चलते चलते उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ पर साहूकार के बेटे का विवाह उस राजकुमारी के साथ हुआ था। राजा ने लड़के को वहाँ पहुँचते ही पहचान लिया और फिर अपने महल के अंदर ले जाकर उसकी खूब आदर सत्कार किया, खातिरदारी की और अपने बेटी को साहूकार के बेटे के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी घरवाली अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलने पर सोचा कि स्वयं ही प्राण त्याग देने का प्रण रख लिया कि बेटा की खबर आने से पहले हम अपने ही प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद खुश हो गए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत को और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दे दिया है। नारद पुराण में सोमवार व्रत का उल्लेख मिलता है। इस दिन सुबह उठकर जल्दी उठना चाहिए, स्नान करके फिर भगवान शिव को जल चढ़ाने के बाद उन्हें बिल्व पत्र अर्पित करने चाहिए और साथ ही भोलेनाथ के साथ माँ गौरी की विधि से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत कथा सुननी चाहिए और शाम को अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। अगर व्रत ना रख सके तो भगवान शिव को जल चढ़ाकर पूजा पाठ करके और कथा व्रत सुनकर उपवास भले ही खोल ले। दरअसल सोमवार व्रत तीन तरह के होते हैं। इनमें
प्रति सोमवार व्रत सौम्य सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत शामिल है, परंतु इन सभी व्रतों में पूजन विधि एक समान ही होती है। हरि प्रेमियों, आपको ये कथा कैसी लगी? सोमवार की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।